नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बिहार चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी से क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन है सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है दोस्तों 1821, 1849, 1826, 1827। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर 1826 ईस्वी में हुआ था हिंदी समाचार का प्रकाशित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, दो नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, तत्सम शब्द नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन है? डी नंबर, छा, छा जो है यह तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, और सभी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शब्द का वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? तो आपका पूजनीय, राइट आंसर कौन है दोस्तों? पूजनीय का वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, कवि वचन सुधा का संस्थापक थे, कवि वचन सुधा का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? भारती नेदू, ठीक है दोस्तों, भारती नेदू जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा, कवि वचन सुधा का संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, उपसर्ग का विलोम है, उपसर्ग का विलोम कौन होगा दोस्तों? तो आपका उपसर्ग प्रत्यय, परसर्ग अव्यय, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय जो है उपसर्ग का बिलोंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, मनोविकारों पर प्रसिद्ध निबंध लिखने वाले लेखक कौन है दोस्तों? मनोविकारों पर प्रसिद्ध निबंध लिखने वाला लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर कौन है दोस्तों? राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, त्रिवेणी का काव्य रूप जो हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर निबंध, ठीक है दोस्तों, त्रिवेणी का काव्य रूप है निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, अनिवार्य का विलोम है, अनिवार्य का विलोम क्या है दोस्तों? तो आपका जो है राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, वैकल्पिक, ठीक है दोस्तों, अनिवार्य का विलोम जो है वैकल्पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पति का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन जो है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका नहीं है दोस्तों, बल्लभ, स्वामी, भार्य, भारता, ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर जो है भार्य ये नहीं है, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, मुकुंद, आपका राइट आंसर कौन है दोस्तों? कामदेव का पर्यायवाची जो होगा मुकुंद होगा, ये आपका गलत है, तीनों ये आपका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि है कौन है दोस्तों? हिंदी का प्रथम कवि कौन थे? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर हया, आपका क्या है दोस्तों? सर हया, ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, रामानुजाचार्य, ठीक है दोस्तों, रामानुजाचार्य जो है राम भक्ति का शाखा का प्रवर्तक थे, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये बी नंबर, क्या है दोस्तों? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वह काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों का समावेश हो के लिए एक शब्द होगा, क्या शब्द होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, गद्य पद शब्द होगा, ठीक है दोस्तों, गद्य पद शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको जल्द ही बताएंगे दोस्तों, बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन जो है आपका उपकार न मानने वाला के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? वो आपका ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कृतधन, ठीक है दोस्तों, कृतधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, झूठा सच उपन्यास का लेखक जो है दोस्तों, यशपाल है, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर कौन है? यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो अच्छे व्यक्ति का निंदा करना, इसका राइट आंसर कौन है? अच्छे व्यक्ति का निंदा करना, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, जिन खोज
खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ लोकोक्ति बताना है। ठीक है दोस्तों, लोकोक्ति बताना है आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सफलता उनको मिलती है जो परिश्रम करती है। ठीक है दोस्तों, इसका लोकोक्ति क्या है दोस्तों, इसका बी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, भूषण बिनु बिन बिरजही, भूषण बिनु बिन बिराजही, कविता विनिता मित किसका कथन है, किस वनिता मित किसका कथन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है कैसव का। ठीक है दोस्तों, कैसव का है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूषण बिनु विराज ही कविता वनिता मित किसका कथन है तो दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर कौन है, कैसव का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो है दोस्तों, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया, कब किया गया था दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में, तो आपका जो है 14 सितंबर 1949 में। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ईश्वर और गुरु का सेवा करनी चाहिए, इसमें समास बताना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास है, तो द्विंद समास है। ठीक है दोस्तों, ईश्वर और गुरु की सेवा करनी चाहिए, इसमें समास कौन है, द्विंद समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न में से संप्रदान कारक की विभक्ति है, कौन सा विभक्ति है दोस्तों, तो आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक का विभक्ति जो है आपका को के लिए। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या है, को के लिए, आपका ये हो जाएगा सी डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ धमनी जो आपका ओट से निकलता है, ओष्ठ से निकलता है वो धमनी बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया यो रो लो फो, तो आप यहाँ पर आप का राइट आंसर कौन है दोस्तों, फो जो है आपका ओष्ठ धमनी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी ये हो जाता है आपका अशुद्ध, ये आपका सही है दोस्तों, शब्द सही लिखा गया है आपका ये, लेकिन आपका गलत लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश का पतन हम नहीं देख सकते हैं वाक में अशुद्ध प्रयोग है, कहाँ पर अशुद्ध का प्रयोग किया गया है दोस्तों, इस वाक में कहाँ पर अशुद्ध का प्रयोग किया गया, हमारे देश का पतन हम नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ हमारे का जो किया गया दोस्तों, ये अशुद्ध का प्रयोग किया गया, अशुद्ध वाक में ये शब्द जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रोच का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, प्रोच का अर्थ नहीं है, तो आपका ये राइट आंसर जो हो जाएगा, जो अंतकरण द्वारा नो देखा जा सकता है, ये इसका अर्थ नहीं है, ये सब इसका छिपा हुआ प्रोच का अर्थ है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अगोचर, ये आपका अगोचर, ये सब इसका अर्थ है, लेकिन आपका बी नंबर ऑप्शन जो है आपका ये नहीं है प्रोच का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, महात्मा बुद्ध करुणा का साक्षात थे, किस करुणा का साक्षात थे दोस्तों, महात्मा बुद्ध करुणा का साक्षात थे, तो आपका इसका राइट आंसर कौन है, सी नंबर, परिग्रह, परिग्रह जो है करुणा का साक्षात था। ठीक है दोस्तों, परिग्रह करुणा का साक्षात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, खीर का तत्सम रूप है, खीर का तत्सम रूप कौन है दोस्तों, तो आपका जो है ये हो जाएगा शीर। ठीक है दोस्तों, शीर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन बताएं दोस्तों आपका हिंदी से, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।